को नई एक्सरे मशीन के आने का इंतजार है। मशीन के अभाव में बीते 9 महीने से मरीज निजी अस्पतालों में एक्सरे करवाने में मजबूर हैं। दरअसल पाली और जालौर जिले के मरीजों को सरहद पर बसे तखतगढ़ कस्बे में चिकित्सा सुविधा मिल रही है, लेकिन कस्बे के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 9 महीने से एक्सरे की सुविधा नहीं मिल पा रही। चिकित्सा प्रभारी ने पहले भी मशीन को दुरुस्त करने के लिए तकनीकी विशेषज्ञों को बुलाया गया। मशीन के अभाव में मरीजों को निजी अस्पतालों में जाकर जेब ढीली करवानी पड़ रही है। विभाग की ओर से नई मशीन के लिए मांग पत्र भेजा गया है। पिछले लंबे समय से 108 की भी सुविधा नहीं है, जिससे मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। डॉक्टर रामधन बैरवा ने बताया कि हमने एक्सरे मशीन और 108 को लेकर कई बार उच्च अधिकारियों को भी अवगत कराया है। तो आज पहले यहाँ थी, वो भी कंडम हो गई, तो उसका भी प्रस्ताव बना के सीएमओ साहब के थ्रू जयपुर भेजा हुआ है, तो जैसे जयपुर से आती है तो अपने को अवेलेबल करा दी जाएगी। दूसरा एक्सरे मशीन का भी जो वो जिनके केटीपीएल कंपनी के जो इंजीनियर्स हैं उनको बुलाए थे, तो उन्होंने उसको कंडम घोषित कर दिया, वो रिपेयर नहीं हो सकती है, तो उसका भी पूरा प्रस्ताव बना के सीएमओ साहब को भेज दिया गया है। तो सीएमओ साहब ने बताया कि वो जल्दी एक्सरे मशीन नहीं आ जाएगी। सर, लंबे समय से 108 की सुविधा नहीं है, तो लोगों को दुर्घटना होती है, जो समस्या होती है, तो उसको लेकर कोई 108 नहीं होने से परेशानी तो होती है, केस रेफर भी होते हैं तो दिक्कत होती है, काफ़ी दिक्कत होती है। लेकिन सुविधाओं से महरूम रहना पड़ रहा है लोगों को। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।